साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। निगम का चुनाव हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार है, समझ में नहीं आ रहा। पिछले 7 साल से अधिक हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के पास बताने के लिए नहीं है कि ओबीसी समाज के लिए क्या किया है, एससी समाज के लिए क्या किया है, और उनके लिए जो आवंटित फंड था उसका भी उन्होंने दुरुपयोग किया है। आने वाले दिनों में एक बड़े कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज और एससी समाज के साथ लेके करने वाली है। आपके आने वाले दिनों में ये भी ध्यान में आएगा कि कई ओबीसी समाज के नेता जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा जो सामाजिक राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हमें गर्व होता है जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देश में पहली एक सरकार है जिसने ओबीसी समाज और एससी समाज के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, सबसे अधिक काम किए हैं। ओबीसी कमीशन को सबसे अधिक स्वायत्तता देना अगर किसी सरकार में हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हुआ। 27 से अधिक ओबीसी मंत्री और उससे अधिक एससी मंत्री हैं। लगभग 60% से अधिक इस सरकार में जो प्रतिनिधित्व है वो ओबीसी और एससी समाज का है। जितनी भी अंत्योदय योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर घर नल जल की योजना हो, चाहे मेकिंग स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, जितनी भी योजनाएं हैं रोजगार को लेकर, अंत्योदय को लेकर, उसमें सबसे अधिक भागीदारी जो मिली है वो मेरे ओबीसी और एससी समाज को उसकी भागीदारी मिली है। और उसका परिणाम भी देखते होंगे, जब उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां एक हो गई तो पुनः योगी जी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनकर आई और बाकी राज्यों में भी वो सरकार बनी। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो मेडिकल शिक्षा में आरक्षण की बात हो, विश्वविद्यालय में शिक्षा की भर्ती की बात हो, स्कूलों में आरक्षण की बात हो, और कामगार की योजनाओं की बात हो, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अनेकों योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए करी है। और जब मैं एससी समाज की बात करता हूँ, श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो वो सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इस मोदी जी की सरकार ने दी है, जो पंचतीर्थ की स्थापना करी है, जिसमें अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और 26 अलीपुर रोड स्थली का भी है। ऐसी समाज के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए, एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और इसके विपरीत दिल्ली सरकार के पास बताने को एक भी ऐसी योजना नहीं है जो बता सके अरविंद केजरीवाल, जो उसने ओबीसी और एससी समाज के लिए की है। हमारे कल से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। कल एक बड़ा कार्यक्रम बैरवा समाज का होगा जिसमें कुछ नेता ज्वाइन भी करेंगे, जो प्रदेश कार्यालय में होगा। एक दूसरा कार्यक्रम कल हमारा विश्वकर्मा समाज का होगा जिसमें कुछ और नेता भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारे 250 वार्ड में इस तरह के नीचे तक जाके कार्यक्रम होंगे और प्रदेश स्तर के सभी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या ओबीसी और एससी समाज की है जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार था, जो कुशासन था, जो उसके शराब की दलाली थी, चाहे हवाला कारोबार थे, जो बच्चों को शराब की लत लगाने की कोशिश करी गई है, उसके विरोध में वो भारतीय जनता पार्टी के को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देंगे। और ऐसे बहुत लोग हमारे टच में भी हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से निगम में है। निगम की भी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, चाहे नए रोजगार देने की बात हो, चाहे ओबीसी और एससी समाज को कि बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देने की बात हो, मुफ्त किताब देने की बात हो, तो निगम में भी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, जो पार्क को डेवलप किया, जिनको किया, जिनसे समाज को बेनिफिट मिला है। और साथियों, जब हम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी वर्ग है, उसके उत्थान के लिए जो एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो अपनी योजनाओं में भी दिखता है। और उस योजनाओं का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में उस समाज ने और सभी समाज वर्गों ने डटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और बाकी प्रदेशों में भी दिया और लोकसभा चुनाव में भी दिया। उसी तरह इस दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी आने वाली सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारी लगभग 42 सीट एससी समाज की है। बहुत अधिक सीटों पर हमारे ओबीसी समाज के भी
प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे जो केंद्र नेतृत्व तय किएगा। पर सभी सीटों पर इस समाज का बड़ा समर्थन और बाकी स्वर्ण समाज का भी समर्थन हमें मिलने वाला है। मेरे साथ मेरे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो खुद निगम के लीडर ऑफ हाउस रहे। मैं संतोष पाल जी से एक बार निवेदन करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद उपेंद्र गोटवाल जी। संतोष जी, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको, इसको, इसको। जैसा कि अभी मुलजी जी ने बताया कि ओबीसी समाज के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वह सारा लिखित में आपको मिल भी जाएगा, और अभी स्वयं मुलजी जी ने बताया। मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को बार बार कहने के बावजूद पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज जो दिल्ली में रहता है, उनके सर्टिफिकेट, उनके प्रमाण पत्र इन्होंने बनाने से रोके हुए हैं, जिसकी हम बार बार इनसे मांग करते आए हैं। उनके बनवाने जाता है तो उससे कहते हैं 93 सन 1993 का आप कोई सा अपना प्रमाण पत्र लेके आइए। तो 22 साल और 7 साल यानी 29 साल जो दिल्ली में रह रहा है, क्या उसका प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल इस तरीके से रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, बनाए जाते हैं। और वहां ऐसी भी जानकारी आई है कि कोई सीधा साधा आदमी, साधारण व्यक्ति बनवाना चाहता है, उसको मना कर दिया जाता है, लेकिन वहां लेन देन करके पैसे दे के वो प्रमाण पत्र बनाए भी जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन इतना है कि हम इस बात को बीच में जाएंगे, रखेंगे। हमारा ओबीसी समाज इससे बहुत पीड़ित है कि हम लोग 30 साल से 25 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत चहल जी ने सारा विषय आप लोगों के समक्ष रखा। हमारा ये अभियान 1 से 15 तारीख तक चलने वाला है। 1 से 15 तारीख के बीच में हम सभी 250 के 250 वार्डों में, हमारी अनुसूचित जाति की रिजर्व विधानसभाओं में विशेष रूप से हम इस अभियान को चलाने का प्रयास करेंगे। इस अभियान में हमारी जो अनुसूचित जाति की लगभग 32 जातियाँ हैं, 32 जातियों का, सभी जातियों का एक एक बड़ा सम्मेलन कहीं ना कहीं होगा। जो इसमें प्रमुख जातियाँ हैं उनके हम 5-5, 10-10 सम्मेलन भी करने वाले हैं। इस सम्मेलन में हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से और उनके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता को रूबरू कराना, जनता को बताना कि कैसे एक तरफ देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हुए अपनी योजना बनाते हैं, कैसे प्रत्येक व्यक्ति का, हमारी, हमारे समाज के प्रत्येक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक की चिंता करते हैं, और एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री जो हमारी SC समाज हो चाहे OBC समाज हो, जिसको झूठ बोलकर उसने वोट लिया और उसके बाद इन समाजों को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। आने वाले समय में जब हम समाज के बीच में जाएंगे तो समाज के बीच में मोदी जी की योजनाओं को भी लेकर जाएंगे, समाज के बीच में दिल्ली सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे, और समाज के बीच में हम समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, समाज हमसे क्या अपेक्षा रखती है, वो सुझाव भी उनसे लेंगे। हमारा आने वाले दिनों में जब घोषणा पत्र बनेगा तो उन सुझावों को भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता देते हुए उन लोगों के सुझाव के आधार पर अपना घोषणा पत्र भी बनाएगी, ऐसा भी हम सब लोगों ने निर्णय लिया। अब इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे सभी वार्डों में, अलग अलग वार्डों में अलग अलग जातियों का समीकरण और सब जगह जिसका हमें समर्थन मिल रहा है, तो 250 वार्डों में उनके अनुसार हमारे छोटे और बड़े सम्मेलन होंगे। तो आप सम्मेलनों की संख्या और छोटे बड़े मिलाकर वो हजारों से ऊपर पहुँच सकती है, और जो बड़े सम्मेलन हैं वो सभी जाति, सभी समूहों के एक एक बड़ा सम्मेलन होगा जो प्रदेश स्तर का होगा, और उसके बाद सभी वार्ड स्तर के उस सम्मेलन होंगे जिसकी डिटेल योजना सब तैयार हो चुकी है। और जो मैंने पहले कहा कि जिस तरह से माने प्रधानमंत्री जी की सच्ची श्रद्धांजलि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए है, वाल्मीकि समाज के लिए है, OBC समाज के लिए, तो दिल्ली का एक बड़ा वर्ग, बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में ज्वाइन करने वाले हैं, और एक बड़ा सम्मेलन भी OBC समाज का, एक सभी समाजों को साथ लेकर, जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी
उपस्थित होगा। ऐसा बड़ा सम्मेलन भी दिल्ली में आपको उसकी जल्द जानकारी मिल जाएगी और ऐसा एक बड़ा सम्मेलन एससी मोर्चे का भी होगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। विकास के काम किए हमने, हमारे संतोष पाल जी कह रहे हैं एलईडी लाइट्स, और स्पेशली समाज के लिए नहीं, जब निगम ने जब पूरा काम करने गई तो स्वच्छता को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, हमने सब क्षेत्रों में 15 साल की हमारे निगम ने काम किया। वेस्ट टू जो हमारा वेस्ट टू वेल्थ का हमने जिस तरह से पार्क डेवलप किया, और आप मानेंगे देश का जो 10 स्कूलों की सूची में SGMC का स्कूल भी उस 10 स्कूलों की सूची में आया। और अभी अभी हमने जो माने गृह मंत्री जी ने जिस भारत दर्शन बताया वेस्ट टू उसके लिए बताया, और माने गृह मंत्री जी ने जिस योजना का अनावरण किया, ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिनके आपके पास पूरी डिटेल पत्रक होगा। 500 ढलाव बंद किए, शिक्षकों का किया, स्कूल बनाए 1000 से अधिक, हमारे सफाई कर्मचारियों के पार्कों में जिम करें, तो अगर उसकी डिटेलिंग बात करेंगे तो उसको भी लेकर एक पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये एक अच्छी जानकारी है कि आज तक के पहले 15 साल से 2000 के बाद 7000 जिन कर्मचारियों को पक्का किया वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। प्रत्येक जीतने वाला व्यक्ति को पार्टी चुनाव देती है, सभी समीकरणों को देख के चुनाव टिकट दी जाती है, और पार्टी का कार्यकर्ता और अनेक चीजें हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, या वन मैन आर्मी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए या सपा की तरह यादव परिवार से भी खड़ा हो गया और कांग्रेस की तरह गांधी परिवार से खड़ा हो गया, या टीम डिसीजन लेती है, चुनाव समिति लेगी, तो उसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद टिकट दी जाए। और जो आपने कांग्रेस के सवाल पे मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस का आधार जनाधार खत्म हो चुका है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, चुनाव कहाँ हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो कांग्रेस पे अगर जवाब भी दो तो लगता है उनको ज़्यादा इंपोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि उनका खुद का ही नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। हमारा कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा, पर भारतीय जनता पार्टी जब माने प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसमें जो ये एक हमारा अपना जिसके लिए माने प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएँ केंद्र से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक की हर गाँव तक की है, तो दिल्ली लघु भारत है, यहाँ उत्तर प्रदेश का व्यक्ति रहता है, यहाँ बिहार का व्यक्ति रहता है, मध्य प्रदेश का व्यक्ति रहता है, यहाँ हरियाणा का व्यक्ति रहता है, यहाँ पंजाब का व्यक्ति रहता है, उसके गांव में भी उसका लाभ मिला है, तो उन लोगों को ले जाकर अपने वोट बैंक को एक बार अपनी बात बताना इसलिए करने आवश्यक। धन्यवाद।